हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्यूटी टिप्स चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल फेस पैक बताएंगे जिसका इस्तेमाल करने से स्किन एकदम से ब्राइटन लाइटन हो जाएगी, चेहरा एकदम से चमक उठेगा। तो हमने लिया है पिंक वाली जो मसूर दाल होती है उसका पाउडर बना के हमने रख लिया है। तो एक चम्मच हम मसूर दाल का पाउडर लेंगे। मसूर दाल का पाउडर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट स्क्रब होता है हमारी स्किन के लिए। और एक ही चम्मच लेंगे हम मुल्तानी मिट्टी पाउडर। सर्दियां हो या फिर गर्मियां हो, मुल्तानी मिट्टी पाउडर जो है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और थर्ड इसमें लेंगे हम एक चम्मच बेसन। बेसन तो आप जानते ही हैं, सर्दियों से हमारी त्वचा को जो है खूबसूरत बनाने के लिए काम में आता है। स्किन को एकदम से लाइटन करता है, ब्राइटन करता है। चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं बेसन के इस्तेमाल से, और बच्चों जैसी सॉफ्ट स्किन हो जाती है बेसन के इस्तेमाल से। इसके बाद में हम लेंगे कोकोनट ऑयल। तो आधे चम्मच के करीब हम इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। अब आपको जो है इस पैक को बनाने के लिए जो है हमें इसमें डालना है रोज़ वाटर। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि किसी भी अच्छी कंपनी का ही रोज़ वाटर यूज़ कीजिएगा, लोकल ब्रांड का ना लगाएं, क्योंकि हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करने वाले हैं। तो आप जो हैं बिना पार्लर जाए और बिना फेशियल कराए, बिना पैसा खर्च करे ज़्यादा, आप इस होममेड को बनाइए ब्यूटी टिप्स को और अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। तो देखिए, ये बनने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप देख ही सकते हैं। और ये इतना अच्छा है, इतने अच्छे रिजल्ट देगा बहुत ही ज़्यादा। तो इसको आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है अच्छे से। थोड़ा सा आप ना, हमने जो मसूर दाल पाउडर लिया है वो हमारी चेहरे पे स्क्रबिंग का भी काम करेगा, तो इसको थोड़ा सा लगाते हुए जो है स्क्रब कर लेना आप लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए। और स्क्रब करने के बाद में इसको हम लगा रहने देंगे सूखने तक। जब ये 90% या 80% हमारा ड्राई हो जाएगा तब आपको अपने चेहरे को सादे पानी से धोकर साफ कर लेना है, और कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लीजिए। आपका फेस बहुत ही जल्द गोरा हो जाएगा, चमकदार होगा। स्किन पे जो बहुत सारी झाइयाँ हो गई हैं, यानी कि एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है आपके फेस पे, तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी।